बलरामपुर में आज विधानसभा चुनाव में नामांकन करने का आखिरी दिन है। ऐसे में सबकी नजरें लगी हुई हैं कि क्या एसपी से धोखा मिलने के बाद फिरोज पप्पू की पत्नी कहकशां निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए पर्चा दाखिल करेंगी या नहीं। आपको बताते चले कि पूर्व चेयरमैन फिरोज पप्पू एसपी प्रमुख अखिलेश यादव से तुलसीपुर विधानसभा का टिकट मांग रहे थे, लेकिन उनकी हत्या कर दी गई। इस हत्या के आरोप में एसपी के ही एक और बड़े नेता रिजवान जहीर को और उनकी बेटी जेबा रिजवान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बीते दिनों बाप बेटी की जमानत याचिका को भी कोर्ट ने खारिज कर दिया था। इन सबके बीच फिरोज पप्पू की हत्या के बाद उनकी पत्नी चेयरमैन कहकशां भी इस उम्मीद में थी कि उनकी तुलसीपुर सीट से उम्मीदवार बनाया जाएगा, लेकिन ये सीट मिल गई मसूद आलम को। खबरों के अनुसार कहकशां के समर्थक कई दिनों से लखनऊ में डेरा डाले थे, लेकिन बावजूद इसके कहकशां के हाथ मायूसी ही लगी। यानी अब कहकशां के सामने ये संकट आ गया है कि क्या उन्हें एसपी को सपोर्ट करना चाहिए या नहीं। पति की हत्या के बाद कहकशां सही सोच रही थी कि टिकट उनको मिलना तय है, लेकिन इतनी जद्दोजहद के बाद भी टिकट नहीं मिला। खैर, अब देखने वाली बात ये होगी क्या कहकशां निर्दलीय चुनाव लड़ती दिखाई देती है या नहीं। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना